हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया हो या चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देख सको। दोस्तों आपको साइड में यहाँ पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा, ठीक है। आप जैसे ही दोस्तों अपना मोबाइल फोन ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पर एक इनबिल्ट ऐप मिलेगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आपने गूगल लिखा है, इसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नाम है जीमेल, ठीक है। आप ये ओपन कर लीजिएगा, आपके मोबाइल में होगा, ठीक है, आप इसको ढूंढ लीजिएगा। जैसे ही आप जीमेल को ओपन करोगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर साइड में राइट कॉर्नर साइड में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर लिखा रहेगा ऐड अनदर अकाउंट, ठीक है, ऐड अनदर अकाउंट ये लिखा है ना, आपको बस यहीं पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा सेटअप, ईमेल करने का सेटअप आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे गूगल लिखा होगा, आपको यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप गूगल पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ, आपको यहीं पर क्लिक करना है। अगर आपको एक ईमेल आईडी बनाना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा है फॉर माई सेल्फ, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ गूगल अकाउंट, ठीक है। आपको ये अकाउंट क्रिएट करना है गूगल अकाउंट का, तो आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पर आपको लास्ट नेम लिखना होगा। आप जिस भी नाम से चाहो दोस्तों आप यहाँ पे ईमेल आईडी बना सकते हो, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा और जो भी आपका लास्ट नेम है दोस्तों आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। मैं अपने दोस्त के नाम से यहाँ पर ईमेल आईडी बना लेता हूँ। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट लिखा हुआ, आप इस नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे अब आएगा आपका जो भी बर्थ डेट का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना डेट लिखना है, मंथ लिखना है, ईयर लिखना है और बस आपको यहाँ पे जेंडर आपका सेलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों हम ये भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम सब कुछ लिख चुके हैं। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ यहाँ पे ऑप्शन खुद ही दे दिया गूगल ने कि आप चाहो तो इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो, अपना जीमेल एड्रेस चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें से अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर आप खुद ही बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ एक ऑप्शन है क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब आपको खुद ही बनाने वाला ऑप्शन आ गया। आप दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पर अपने नाम को कस्टमाइज कर सकते हो। प्लस दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे लेटर नंबर और ये सब पीरियड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अपने नाम को अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो या फिर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मैंने अपना नाम लिखने के बाद से आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें स्पेस नहीं यूज करना है, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ जो भी लिखना है विदाउट स्पेस आपको लिखना है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों आप चाहो तो इसमें कोई नंबर वगैरह भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, 2323 लिख दिया, ठीक है। अगर इस नाम से मतलब इस एड्रेस से अगर पहले बन चुका होगा तो ये नहीं उठाएगा, अगर नहीं बना होगा तो ये ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया। लिखने के बाद दोस्तों आपको फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर, अब दोस्तों आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखने का ऑप्शन आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है दोस्तों कि आप जो भी पासवर्ड बना रहे हो उसमें एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और कोई ना कोई इसमें सिंबल होना चाहिए। अगर आप ये तीनों यूज करते हो तो आपका पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक पासवर्ड अपना बना लेते हैं। सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, आप इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यस आई एम इन करके लिखा रहेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करो दोस्तों आप देख सकते हो आपका यहाँ पर जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पे आपका बन चुका है ईमेल आईडी जो भी आपने बना रखा था। अब दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे अब फिर आप दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप डाउन करोगे यहाँ पर आई एग्री लिखा हुआ है, आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपका ईमेल आईडी यहाँ पर फुल्ली तैयार हो चुका है। आपने अपना पासवर्ड यहाँ पर लिख दिया था, आपने अपने ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दिया था, अब आपके ईमेल आईडी के साथ उसी पासवर्ड के साथ यहाँ पर एक ईमेल आईडी बन चुका है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं दोस्तों तो फिर आपके सामने यहाँ पर जीमेल ओपन होगा। आप यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करिएगा और आपका जो भी आपने ईमेल आईडी बनाया दोस्तों आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपके नाम नीचे शो करेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने ये ईमेल आईडी बनाया था और यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज भी आ चुका है, मतलब एक मेल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे कुछ लिखकर आएगा, मेरा यह जो ईमेल आईडी है ये बन चुका है। अब इस ईमेल आईडी का यूज कर दोस्तों मैं एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकता हूँ, गूगल प्ले स्टोर से भी कुछ डाउनलोड कर सकता हूँ और बहुत ढेर सारे काम है दोस्तों, हमको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ से हम इस तरीके से ईमेल आईडी बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। अगर आप इस ईमेल आईडी का यूज करके एक यूट्यूब चैनल